हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सर एनडीए की वैकेंसीज या न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। फाइनली 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एस्पायरेंट्स। प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसके मत करिएगा। बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही प्रिसाइसली मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो सारे साथी एक बार प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे साथियों, फाइनली दोबारा से बता रहा हूं, एनडीए फेज फर्स्ट 2022 की न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं। वो बच्चे जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर्स बनने का सपना देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। प्यारे साथियों, हर साल दो बार एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एयरफोर्स, एनडीए और एनए का। तो 2022 का फेज फर्स्ट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है नेशनल डिफेंस एकेडमी और सर नेशनल नेवल एकेडमी के लिए। ओके, तो मैं यहाँ कुछ डिटेल बताने जा रहा हूँ। टोटल पोस्ट कितनी है प्यारे साथियों, 400 पोस्ट रिलीज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, जैसा कि लास्ट ईयर से एनडीए ने फीमेल्स को भी अलाउड कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। लड़के लड़कियां, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही ये वैकेंसीज होने वाली है। प्यारे साथियों, लगभग 400 पोस्ट हैं, मैं एग्जैक्ट बात करूं 418 पोस्ट हैं सर। यूपीएससी एनडीए फर्स्ट का जो एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन सर कब से स्टार्ट होंगे, 22 दिसंबर 2021, मतलब आप आज से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सर, फॉर्म फिलअप करने की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, upscionline.nic.in, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करने की क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, upscionline.nic.in। लास्ट डेट क्या है, 11 जनवरी 2022। लास्ट डेट क्या है, 11 जनवरी 2022। और सर, शुरुआत की डेट क्या है, 22 दिसंबर 2021। सर, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट भी देखो ऑफिसर्स रैंक का, यही सबसे अच्छी चीज है कि वहां सब कुछ क्लियर होता है पहले से ही। एयरफोर्स की तरह नहीं हुआ है कि बच्चों को यहां बहुत निराशा मिल रही है, 6-6 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा गलत हुआ है एयरफोर्स एस्पायरेंट्स के साथ, जो कि बच्चे काफी डीपली डिप्रेस्ड हैं। एग्जाम डेट भी रिलीज हो चुकी है, 10/4/2022, मतलब एग्जाम कब है, 10 अप्रैल 2022 को। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 10 अप्रैल 2022 में एग्जाम है। एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे सर, मार्च 2022 में एडमिट कार्ड रिटन एग्जामिनेशन के लिए रिलीज हो जाएंगे। प्यारे साथियों, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006, कितना, दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा एज क्राइटेरिया बच्चों को मिला है, 2 जुलाई 2003, मतलब सर 2 जुलाई 2003 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा दिया गया है, सभी मोस्टली आप अप्लाई कर पाएंगे। और सर, जनरल और ओबीसी की फीस कितनी है, 100 रुपीज। और सर, बाकी एसटी और लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, बाकी किसी के लिए कोई भी फीस नहीं है। सर, टोटल वैकेंसी दोबारा रिपीट कर देता हूं, लगभग 400 पोस्ट हैं, लगभग एग्जैक्ट 400-418 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल 10+2 होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, केवल 10+2 होना चाहिए और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है प्यारे साथियों, upscionline.nic.in है, इस पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और सर, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं वैकेंसीज, यहां पर दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, पोस्ट नेम नेशनल डिफेंस अकेडमी और एक नेवल अकेडमी। पहले ध्यान से सुनिए, केवल नेशनल जो डिफेंस एकेडमी है वो मेल और फीमेल, लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नेवल एकेडमी में केवल लड़के ही अप्लाई कर पाएंगे, बस केवल लड़के ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। और सर, एनडीए के थ्रू आर्मी में कितनी पोस्ट हैं, आर्मी विंग में 208 पोस्ट हैं। सर, एनडीए के थ्रू नेवी में कितनी है, 42 पोस्ट हैं। और एनडीए के थ्रू सर एयरफोर्स में कितनी पोस्ट हैं, 120 पोस्ट हैं। और सर, इनके लिए क्या रहने वाला है, आर्मी विंग को छोड़ दिया जाए तो सर, जो मेल और फीमेल नेवी, एयरफोर्स और
नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका 10+2 फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। बट आर्मी विंग के लिए आप 10+2 हैं या फिजिक्स और मैथ नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, मतलब 10+2 में या अदर सब्जेक्ट्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर पाओगे एनडीए में आर्मी विंग में। आई होप आपको समझ में आया हो, यार इतना समझ में नहीं आया है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई होप मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। टोटल पोस्ट 400, सर इसमें मेल और फीमेल नेवल डिफेंस एकेडमी में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन नेवल एकेडमी में केवल मेल अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है, ठीक है ना, क्या है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है, इसमें 30 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट कितनी है प्यारे साथियों, 400 पोस्ट हैं। टोटल कितनी पोस्ट हैं, 400 पोस्ट हैं, ठीक है ना, आपको बता दिया जाए 208 पोस्ट, 42 पोस्ट, 120 पोस्ट एंड 30 पोस्ट, ठीक है ना। तो यदि मैं एग्जैक्ट बात करूं कितनी हैं, 0 और बाकी यहाँ 418 के समथिंग पोस्ट बैठ रही हैं। और सर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, यहाँ बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, एग्जाम पैटर्न प्यारे साथियों, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मैथ यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 300 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, मैथ क्या होगा 2.5 घंटे का टाइम, 300 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, और जीएटी का मतलब जनरल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 2.5 घंटे का होगा और ये 600 मार्क्स का होगा, और सर टोटल कितने होंगे, 900 मार्क्स होंगे, ठीक है ना, रिटन एग्जामिनेशन के 900 होंगे और एसएसबी के कितने होंगे, 900 होंगे, मतलब 1800 टोटल, ठीक है ना। सबसे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन 900 का होगा, और सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन कितने का होगा, 4 मार्क्स का होगा, तो सर मैथ के क्वेश्चन कितने हो गए भाई बताइए, 75 क्वेश्चन, और गेट के क्वेश्चन कितने हो गए सर, लगभग 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ठीक है, 900 नंबर रिटन एग्जामिनेशन, 900 एसएसबी, एसएसबी का मतलब है सर जो सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा, मतलब इंटरव्यू होगा रिटन एग्जामिनेशन के बाद में, उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा बहुत जल्दी। और सर गेट में कौन कौन से सेक्शन होंगे, सर गेट में इंग्लिश आएगी 200 मार्क्स की, इंग्लिश एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगी, एक रोल प्ले करेगी, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज के सर 400 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अप्लाई होगी, एग्जाम आपको पता ही है। तो प्यारे साथियों बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों को जो 10+2 के बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और एनडीए में, सर आर्मी में, एयरफोर्स और सर नेवी में ऑफिसर बनने का सपना देखना चाह रहे हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, बाकी ये पोस्ट अभी हो चुका है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, और यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, मेरे अंदर कुछ लोग जो आए मानते हैं कि सर ये सर्वे पहली बोलते होंगे, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।